हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की फिजिक्स की क्लास में। आज अपने पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और 12 की क्लास 12 के अंदर भी अपने कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी यूनिट बोलें तो यूनिट नंबर पढ़ने वाले हैं बच्चों अपने एक। और जिस यूनिट का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर विद्युत की। आज जो अपने अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्थिर विद्युत की के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं अपने स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने चैप्टर फ्लो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर फ्लो, उसके बारे में अपने आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो चैप्टर फ्लो क्या रहने वाला है, एक बार आइए उस पर अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो आज का अपने चैप्टर फ्लो के अंदर सबसे पहला अपना नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर विद्युत की। ये अपनी यूनिट नंबर एक है। इस यूनिट के अंदर है जो दो चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो पहला है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, जो अपनी 12वीं क्लास एनसीईआरटी का नंबर 1 चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद नंबर दो नंबर जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये दो नंबर चैप्टर है अपना। तो आज अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो इसके कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आइए एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। इसका सबसे पहला अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके, यानी विद्युत आवेश। और इसका दूसरा पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी विद्युत आवेशों के प्रकार या आवेशों के प्रकार। आप सभी को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और तीसरी बात अपने पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और चौथी बात अपने पढ़ेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमकरण। और पाँचवीं बात अपने पढ़ेंगे बच्चों कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम के नियम, जो आप सभी को अच्छे से आते हैं, और अपने इसे आज और अच्छे से करेंगे। ओके, तो ये तो हुआ था अपना चैप्टर फ्लो। अब अपने बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतकी के बारे में। स्थिर विद्युतकी के बारे में जो सबसे पहले बताया था एक थेल्स नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था। और कब बताया था ये, लगभग मान लो कि 600 ईसा पूर्व वो पहले बताया था स्थिर विद्युतकी का। अब अपने यहाँ पे जानते हैं कि स्थिर विद्युतकी का अर्थ क्या होता है। तो आइए अपने यहाँ पे स्थिर विद्युतकी का अर्थ निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिर विद्युतकी, क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्थिर वैद्युत की। तो वैद्युत की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आवेश तो आएगा। तो वैद्युत की का मतलब क्या हुआ, आवेश। और स्थिर का मतलब क्या हुआ बच्चों, रुका हुआ, यानी जो आवेश रुका हुआ है, जिसके अंदर अपने क्या हुए, रुके हुए आवेश के बारे में ध्यान करते हैं, वो क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। इसकी एक अच्छी सी क्रमबद्ध डेफिनेशन क्या बनी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बनी बच्चों की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपने स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की के बारे में आपको पता है सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने बताया था, यानी 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने क्या किया था, स्थिर विद्युत के अंदर अपने क्या लगभग आवेश के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसने क्या किया था, एक मतलब एम्बर लिया था, कोई भी एम्बर एक पदार्थ या रबड़ जैसा, उसको क्या किया था, मतलब किसी एबिनाइट की या फिर उसके लोहे की छड़ से मतलब उसको रगड़ा था, तो वह क्या मतलब आकर्षण का उसके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ था, तो वो सब इन्हीं आवेश के कारण हुआ। आज अपने इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ अपने अपने स्थिर विद्युतकी की डेफिनेशन को तो पढ़ लिया, अब जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आवेश। पहला टॉपिक अपने पढ़ेंगे आवेश। तो आवेश क्या होता है बच्चों, ठीक है, आवेश की डेफिनेशन देखते हैं अपने। आवेश की डेफिनेशन क्या होती है कि आवेश क्या है, मतलब आवेश एक ऐसा पदार्थ है, अपने मान सकते हैं कि कोई भी मतलब वस्तु है जो आवेश को अर्जित कर लेती है ना, तो वो क्या करती है, मतलब विद्युत चुंबक की तरह क्या व्यवहार करने लग जाती है, या फिर उसकी तरह उसके जो गुण दर्शाने लग जाती है, या फिर उसके अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा सकता है, या फिर अपने बोल सकते हैं विद्युतमय गुणों को
दर्शाने लग जाते हैं या फिर उनका अनुभव करने लग जाती है। अब एश की डेफिनेशन लिखने की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता ही है। और एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने आवेश के मतलब अपने को क्या बताए थे, दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था धनावेश और एक बताया था ऋणावेश। वो अपने आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ आवेश के बारे में, जब बात करेंगे तब अपने बात कर लेंगे। अब आवेश के बारे में आओ थोड़ा सा और जानते हैं। आवेश का जो आपको पता है कि आवेश को किससे लिखते हैं, क्यों से लिखते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ आवेश का क्या लेते हैं, मात्रक, मात्रक को तो अपने यहाँ पे कुल आम लेते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले बात यही लिख देता हूँ, आवेश का मात्रक हो गया कुल आम, ठीक है। इसको अपने सी से लिखते हैं। अब आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं बच्चों। आवेश के अगर अन्य मात्रक के बारे में अपने बात करें तो अन्य मात्रक आवेश का हो गया सबसे बड़ा मात्रक। इसका अन्य मात्रक में ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसको एम्पियर अपॉन में सेकेंड। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, एम्पियर इंटू में सेकेंड। अब ये कहाँ से आया, अपने को पता है कि क्यू बराबर में क्या होता है, आई इंटू में टी होता है। यानी आई यहाँ पर क्या है, धारा है, और टी यहाँ पर क्या है, समय है। तो अपने आई को यहाँ पे किससे लिखा, आई का क्या होता है मात्रक, और टाइम को अपने किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो यहाँ से अपने क्या निकाल लिया, आवेश का मात्रक, ये एक अन्य मात्रक हो गया, ठीक है। अब आवेश का सबसे बड़े मात्रक के बारे में अगर अपने बात करें तो वो होता है फैराडे। आवेश के अगर सबसे बड़े मात्रक के बारे में बात करें वो होता है फैराडे। क्या बोला मैंने, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, क्या बोला, बोलो फैराडे। अब यहाँ पे देखो एक बात, ठीक है, ये बात तो आपने जान ली। अब एक फैराडे बराबर में क्या होता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक फैराडे बराबर में होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 96 कूलम, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कंपटीशन एग्जाम में या फिर और कहीं पे भी आपको वाईवे वगैरह में भी पूछ ले तो एक फैराडे की वैल्यू क्या बताओगे, आप ये बताओगे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे अपने आवेश के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ आवेश, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था, उसके अनुसार आवेश कितने प्रकार के थे, उसके अनुसार आवेश थे दो प्रकार के। पहला था धनावेश और दूसरा था बच्चों ऋणावेश। अबे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेना पॉजिटिव और यहाँ पे लिख लेना नेगेटिव, ओके, नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बारे में अपने और गहराई से बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने थोड़ी सी और बात करते हैं, बताओ कि मान लो कोई भी परमाणु है, जो परमाणु किससे मिलकर बना होता है, वो एक मतलब परमाणु सॉरी कोई भी अणु है, अणु किससे मिलकर, एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। मान लो ये भी कोई अणु की बात होगी, अणु के बाद ले लिया अपने परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इसके परमाणु की जो बारिश होती है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से रूप में, मुक्त रूप, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक प्रकार से। और ये यहाँ पे क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। गति इसलिए करते रहते हैं क्योंकि ये मुक्त होते हैं, और इनके बीच का जो आकर्षण बल का मान होता है ना बच्चों, वो बहुत ही कम होता है। इसलिए ना जो इसके स्थायी कक्ष मतलब बाहरी कक्ष होते हैं उनके अंदर गति करते रहते हैं। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। यानी और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ये किसे होते हैं, मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, नाभिक के अंदर, या आपने बोल सकते हैं के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन वो तो एक प्रकार से न्यूट्रली होता है, और प्रोटॉन पे यहाँ पे धनावेश होता है। तो यहाँ पे चावेश आपने कितने प्रकार के लिए, दो प्रकार के लिए, पहला ले लिया धनावेश और दूसरा ऋणावेश, इसके दो प्रकार ही होते हैं। धनावेश के अंदर आपने क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोटॉन, और ऋणावेश में अपने क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपनों ने यह लिख लिया। अब इनके मतलब अपने मास के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस
27 के जी ये क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है। अगर अपने प्रोटॉन के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन की बात, यानी इसके ऊपर कितने आवेश है, यानी कितने आवेश है, तो अगर यहाँ पे आवेश की बात करें तो इसका अपने सबसे पहले तो ये होगी कि वहाँ पे इससे पहले अपने एक कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे छोटे वाला कि ये क्या होता है, किसी भी मतलब परमाणु क्या होता है, बीच में होता है और ये कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, बंधा हुआ होता है एक टाइप से, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, अगतिशील होता है, गतिशील, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ओके, समझना इस बात को। इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील होते हैं क्योंकि ये तो बारीक कक्षा में होते हैं, फ्री होते हैं, और फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके अंदर अपने आवेश की बात करें तो आवेश इसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव होगा और वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ओके। ये आप याद भी रख लेना चाहे दोनों, ये तो आवेश तो आप सभी को पता ही है, लेकिन मास थोड़ा याद रखना। अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा लगभग उसके अंदर 100% दिया होता है, फिर भी आपके याद होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे बात करें अपने इसके इलेक्ट्रॉन के मास की हैं और इसके पास कितने आवेश होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है बच्चों यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, यही नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी 19 कूलाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें इसकी मास की तो ये होगा 9.1 × 10³³ kg, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये दोनों आप याद रख सकते हो, तो ये दोनों अपने बात कर ली इलेक्ट्रॉन इसके सॉरी आवेश के प्रकार के बारे में। पहले अपना उन्हें पढ़ा धनावेश और उसके बाद पढ़ा अपना ने ऋणावेश, ठीक है। अगर ये आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना मैं रफ कर देता हूँ। ये अपनों ने बात कर ली इसके मतलब टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब अपने थोड़ी सी इसके अंदर आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके जो मैंने मात्रक तो आपको बताई दिए थे, और इसके बाद हाँ दो तीन चीज़ रह गई थी वो और सुन लो। एक तो रह गया था आवेश, एक है जो अदिश राशि है, आवेश क्या, एक अदिश राशि है, ओके। और अपने बात करें आवेश की विमा के बारे में बात करें तो आवेश की विमा यहाँ पे क्या होती है, आवेश की विमा यहाँ पे आपको बताया दो ही चीज़ थी। इसका अपने मात्रक से अगर अपने निकालें तो इसका मात्रक क्या था बताओ, मात्रक था इसका एम्पियर इनटू में सेकंड ले रहे थे अपने, तो इसकी जो विमा आएगी वो भी क्या आएगी, विमा आएगी A1T1 आएगी, ठीक है। इसको अपने सीधा भी लिख सकते हैं, टी पहले लिख दो ए बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पर ये चीज़ आपकी सही लिखी होनी चाहिए, भाई A1 यहाँ कहीं पे जीरो मत लगा देना, A0 था T0 था, तो फिर क्या है मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये बात होगी। अब अपने क्या करते हैं आवेश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अपनों ने पढ़ा था ना आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो ये अपने यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, मतलब लिखेंगे क्या, सुनो एक बार, कोई वस्तु जो विद्युत रूप से उदासीन है, ठीक है। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे, कोई वस्तु जो विद्युत रूप से उदासीन है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, पहले तो इस लाइन को समझे कि कोई वस्तु जो विद्युत रूप से उदासीन है, अर्थात उसका धनावेश या फिर बोल सकते हैं अर्थात उस पर जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, ये मतलब एक प्रकार की नोट ही कर दो आप, लिख लो इसको कि कोई वस्तु है जो विद्युत रूप से उदासीन है, ये आवेश की एक प्रकार